Channel Ankit Tech classes. I am Ankit. So this is the part one of React Hooks, the tutorial series. So in this session, we will discuss what is React Hooks and why we use it, and what are the different rules for creating the hooks, and what are the benefits of the React Hooks, and what are the different hooks that are introduced in the React. तो हेलो एवरीवन, तो इस सेशन से हम लोग React Hooks ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं. तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगा, देन नेक्स्ट वीडियो से आपको एक एक हुक्स के बारे में एग्जांपल सहित आपको डेमो करके बताऊंगा. तो सो लेट्स बिगिन. तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके उसका नोटिफिकेशन. एंड प्लीज अगर इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो इस तरीके की फ्री वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज का लाभ उठा सके. सो लेट्स बिगिन. सो बेसिकली हुक्स बेसिकली इंट्रोड्यूस किए गए हैं रिएक्ट के 16.8 वर्जन में, राइट. आप इट इज यूज टू यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर विदाउट राइटिंग ए क्लास. तो मेनली इसका पर्पस क्या है कि आप बिना कोई पर्टिकुलर क्लास को राइट किए हुए आप डिफरेंट स्टेट्स और रिएक्ट फीचर्स को यूज कर सकें. तो पास्ट में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग डिफरेंट फीचर्स रिएक्ट के यूज कर रहे थे, पर हमारे पास कुछ फीचर्स में रिस्ट्रिक्शन थी कि अब आप जो है उसको क्लास कंपोनेंट के थ्रू ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. लाइक स्टेट मैनेजमेंट, राइट. अगर आपको कोई भी स्टेट को मेंटेन करनी है, सपोज आपके पास हमने प्रॉप के थ्रू पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को कोई डेटा दिया हुआ है, बट प्रॉप्स क्या होते हैं, रीड ओनली होते हैं, तो हम उसकी स्टेट को जो है ना चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते विद इन द कंपोनेंट. तो हम क्या यूज करते हैं, स्टेट का यूज किया था, बट स्टेट का रिस्ट्रिक्शन ये थी कि आप उसको क्लास कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं. तो रिएक्ट कंपनी ने क्या किया, 16.8 में अल्टरनेटिव एक हुक्स इंट्रोड्यूस किए जिसके बिहाफ पे आप स्टेट क्रिएट कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, राइट. इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स थे, जैसे कंपोनेंट डेट माउंट, कंपोनेंट डेट अपडेट, राइट. तो हम इसका यूज भी सिर्फ क्लास कंपोनेंट के थ्रू ही कर सकते थे, राइट. तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, रिएक्ट हुक का एक अल्टरनेटिव निकाला और देन हम रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट के बिहाफ पे हम जो है रिएक्ट के डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स को इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल, रिएक्ट हुक इज द रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट डेट माउंट, राइट. सो व्हाई रिएक्ट हुक, यू डोंट वांट टू रिफैक्टर ए फंक्शनल कंपोनेंट इनटू क्लास कंपोनेंट व्हेन इट ग्रोस, राइट. तो इस लाइन स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई फंक्शनल कंपोनेंट राइट करते थे तो उसके अंदर सिर्फ आप प्रॉप्स डिफाइन कर सकते थे जो आपके पास इनिशियल स्टेट को कंपोनेंट की रिप्रेजेंट कर सकता है, बट आप उसकी स्टेट को फिर चेंज नहीं कर पाएंगे. क्यों, क्योंकि प्रॉप्स क्या होते हैं, रीड ओनली होते हैं, राइट. तो कभी भी अगर आपको उसकी स्टेट को मेंटेन करने की बात आएगी तो आपके फंक्शनल कंपोनेंट को क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. लाइकवाइज अगर आपको कोई लाइफ साइकिल मेथड्स इंप्लीमेंट करना पड़ जाता है कैसे सिचुएशंस में, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, फंक्शनल कंपोनेंट को क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रिएक्ट हुक्स यूज करेंगे कि बिना फंक्शनल कंपोनेंट को क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट किए बिना आप डायरेक्टली क्या कर सके, डिफरेंट लाइफ साइकिल के अल्टरनेटिव मेथड्स और स्टेट मैनेजमेंट कर सके, राइट. सेकेंड पॉइंट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस एनीमोर. व्हाई, क्योंकि आप क्लास कंपोनेंट में जब भी आप कोई कंपोनेंट रिटर्न करते थे तो क्या करते थे कि उसके अंदर कोई भी मेथड्स या वेरिएबल या स्टेट वेरिएबल प्रॉप्स किसी को भी एक्सेस करना था थ्रू दिस कीवर्ड ही एक्सेस करना होता था, ठीक. बट फंक्शनल कंपोनेंट में दिस का यूज आपको करने की जरूरत नहीं है, तो आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है कि दिस आपसे रह गया या छूट गया.
नो मोर मेथड बाइंडिंग। तो क्लास कंपोनेंट में अगर हम कोई भी मेथड बनाते थे तो उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें बाइंड करना पड़ता था विद दिस ऑब्जेक्ट। तो अब आपको फंक्शनल कंपोनेंट में उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इजियर टू डिकपल लॉजिक फ्रॉम यूआई एंड मेकिंग मोर रियूजेबल। तो क्लास कंपोनेंट में क्या करते थे, हम लोग कोई मेथड्स बनाते थे, उसे बाइंड करते थे और देन हम लोग जो है अपना लॉजिक्स वगैरह उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते थे, राइट। तो यहाँ पे हम फंक्शन कंपोनेंट में क्या करेंगे, फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट हम स्मॉल स्मॉल फंक्शंस बना सकते हैं और देन हर एक फंक्शंस अपना यूनिक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेगा, राइट। नेक्स्ट क्या, कीप रिलेटेड लॉजिक्स टुगेदर, राइट। तो हम क्लास कंपोनेंट में क्या करते थे, डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स होते थे, कंपोनेंट डिड माउंट था, कंपोनेंट डिड अपडेट था, तो आपको अलग अलग लाइफ साइकिल मेथड्स में डिफाइन करना होता था। बट इसमें आप फंक्शनल कंपोनेंट डिफरेंट फंक्शंस के माध्यम से आप अपने लॉजिक को एक फंक्शंस के अंदर ही कंबाइंड करके रख सकते हो, राइट। शेयरिंग स्टेट फॉर लॉजिक बिटवीन कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे कंपोनेंट जो फंक्शनल कंपोनेंट की बात हो रही है, तो फंक्शनल कंपोनेंट में आप क्या कर सकते हो, अपनी एक कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन को दूसरे को शेयर कर सकते हो। क्लास कंपोनेंट में कोई रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है कि हम लोग क्या मतलब शेयरेबल करें, पर फंक्शनल कंपोनेंट में आप क्या इजिली शेयरेबल कर सकते हो। रूल्स क्या है हमारे पास हुक्स के, ठीक है, ये टू हमारे पास मेन रूल्स हैं जिसको आपको टेक केयर करना चाहिए। ओनली कॉल हुक्स एट द टॉप लेवल। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे, हमेशा टॉप पे जितने स्टेट वेरिएबल आपको बनाने हो वो आप फर्स्ट टॉप लेवल पे, ताकि वो इजिली हमारे पास मेंटेन हो सके। ओनली कॉल हुक्स फ्रॉम द रिएक्ट फंक्शन। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप हुक्स कॉल करोगे वो हमेशा रिएक्ट फंक्शन के थ्रू ही कॉल होनी चाहिए, किसी भी अनदर जावास्क्रिप्ट या नॉर्मल फंक्शन के थ्रू आप कॉल नहीं कर सकते, राइट। डिफरेंट बेनिफिट्स क्या है कि हमारे पास क्या है, रियूजेबल है, राइट। एक बार आप फंक्शंस को राइट करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, जस्ट लाइक इज अ फंक्शन, तो आप फंक्शन को क्या करते हैं, राइट करते हैं और उसे कहीं भी कितनी बार भी आप यूज कर सकते हो कॉल। लेसर कोड नो डाउट, अ क्लास कंपोनेंट में आप देखते हो कि जो क्लास कंपोनेंट में आप कोड लिखते हो, फंक्शनल कंपोनेंट अगर सेम बनाते हो तो फंक्शनल कंपोनेंट में हमें लेसर कोड लिखना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर आप डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स भी इंप्लीमेंट करते हो, देन कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करते हो, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स वगैरह डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ओवरऑल ऑप्टिमाइज कंपोनेंट, और नो डाउट तो हमारे पास क्लास कंपोनेंट में जो कोड रिटन करते हैं वो अपेक्षाकृत फंक्शनल कंपोनेंट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें कंपोनेंट लाइफ साइकिल के सारे इवेंट्स हम को डिफाइन करने होते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एंड देन कंस्ट्रक्टर और फंक्शन कंपोनेंट में सीधे सीधे हमें एक फंक्शन बना के उस कंपोनेंट को राइट कर लेते हैं, राइटिंग फंक्शनल कंपोनेंट विद द स्टेट। तो हुक्स का बेनिफिट क्या है कि पहले जहाँ पे हम फंक्शनल कंपोनेंट स्टेट को मेंटेन नहीं करते थे कर सकते थे, बट अब आप मेंटेन कर सकते हो। इजी टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स लॉजिक, वाई, क्योंकि क्योंकि क्लास कंपोनेंट में कोई भी कंपोनेंट हम बनाते कॉम्प्लेक्स बन जाता था, क्योंकि उसमें कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के हर एक मेथड को हमें जो है इंप्लीमेंट करना पड़ता था। हैंडलिंग इवेंट्स और लॉजिक्स इन जो फंक्शनल कंपोनेंट, तो कोई भी इवेंट्स या लॉजिक्स अगर आपको डिफाइन करना है तो आप फंक्शन के फॉर्म में डायरेक्टली इसे डिफाइन कर सकते हैं विदाउट बाइंडिंग इट। परफॉर्मेंस बूस्ट अप विद फंक्शनल कंपोनेंट। नो डाउट जो हमारे पास लेसर कोड आप राइट करेंगे तो वो क्या करेगा, आपकी फंक्शनैलिटी को बूस्ट करेगा, राइट। तो देयर आर सम डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द रू हुक्स यूज स्टेट के भी, आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टेट विद इन द कंपोनेंट स्टेट को मेंटेन कर सकते हो। यूज इफेक्ट, इट इज द अल्टरनेटिव ऑफ कंपोनेंट डिड माउंट ऑफ द रेट लाइफ साइकिल मेथड। यूज कंटेक्स्ट, ठीक है, कंटेक्स्ट एपीआई वाले ट्यूटोरियल सीरीज में अगर आपने ये नहीं पढ़ा हो तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, रिएक्ट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के कंटेक्स्ट एपीआई वाले चैप्टर को पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि अगर आपके पास, आपको मालूम है कि हम प्रॉप्स क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट से इमीडिएट चाइल्ड कंपोनेंट को ही सेंड कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास क्या है कि फर्स्ट कंपोनेंट से डायरेक्टली फिफ्थ हायरार्की वाले कंपोनेंट को हमें भेजना है कंपोनेंट, तो हमें फर्स्ट फोर
में भी भेजना पड़ेगा, फिर फोर के बाद हमें फिफ्थ में भेजना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी कंपोनेंट हायरार्की में एक कंपोनेंट से डायरेक्टली लास्ट कंपोनेंट पे अगर आपको डेटा को भेजना है, तो आप यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज कर लो, यूज लेआउट इफेक्ट, इसके लिए इसके आप यूआई के लेआउट को डिफाइन कर सकते हो। यूज रिड्यूसर ही हम जो है रिड्यूसर रिफाइन करने के लिए रिडक्स में यूज करते हैं। यूज कॉल बैक, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर कॉल बैक देना है कि अगर आप चाहते हो कि चाइल्ड चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कोई भी इवेंट परफॉर्म हो, देन उसके बिहाफ पे आप नोटिफिकेशन देना चाहते हो पेरेंट कंपोनेंट को, तो देन हम क्या करेंगे, यूज कॉल बैक, राइट। सपोज आपके पास क्या है कि आपने चाइल्ड कंपोनेंट में फॉर्म बनाया, फॉर्म में आपने डेटा फिल किया, देन उसके बाद पे आप डेटा क्या करना चाहते हो, पेरेंट को सेंड करना चाहते हो, देन पेरेंट उसको डेटा को मैनिपुलेट करेगा और देन डिस्प्ले करेगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग कॉल बैक का यूज करते हैं, यूज कॉल बैक। यूज मेमो का यूज आप जानते हो, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर आप क्लास कंपोनेंट, अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज करना चाहते हैं, तो वहां पे यूज मेमो का यूज होगा, राइट। यूज रेफ, ठीक है। तो आपने देख, हमने रेफरेंस ऑब्जेक्ट का यूज करना भी सीखा था, तो आप यूज रेफ का यूज कर सकते हो विद इन द फंक्शनल कंपोनेंट, राइट। तो इस तरीके का वहां फंक्शनल कंपोनेंट है। एक बात ध्यान रखिए, राइट, तो मैं पहले कहना भूल गया, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं और आपको अगर रिएक्ट की नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि पहले हमारे आप रिएक्ट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज को पढ़ें, रिएक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो कि कंपोनेंट क्या होता है, फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, स्टेट्स क्या होते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को आप पहले रिएक्ट ट्यूटोरियल सीरीज से पढ़ें, देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यूज स्टेट का यूज क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, दुआओं में याद रखें।